जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग अप्लाई करने में, जो गवर्नमेंट जॉब निकली थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा, जो गवर्नमेंट जॉब निकाली गई थी 20 मई की उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा 20 मई से ये डेट आगे एक्सटेंड कर दी है, 30 मई 2021 तक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एडवर्टाइजमेंट जो ये निकली थी 8 अप्रैल 2021 को, और ये 2 या 3 बार एक्सटेंड आगे होती रही। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं, 893 पोस्ट कोड है और इसमें टोटल वैकेंसी है 90। और फिर आपके पास आ जाता है दूसरे नंबर पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट एलोपैथी, 894 इसका कोड है, इसमें टोटल पोस्ट है 100 पोस्ट इसमें टोटल है। फिर तीसरा जो कोड है इसमें हॉर्टिकल्चर में बी कीपर का जो पोस्ट है, इसमें 4 पोस्ट है टोटल और 894 इसका पोस्ट कोड है। इंडस्ट्री में आपके पास है 2 पोस्टें, और HP फूड स्पील सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स इसमें भी आपके पास 1 पोस्ट है, और HP एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसमें आपके पास 2 पोस्ट हैं, HP एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसमें 6 पोस्ट हैं, और HP पावर ट्रांसमिशन इसमें कॉरपोरेशन इसमें भी आपके पास 5 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की, HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिशियन की इसमें 2 पोस्ट हैं, और ये आ गया आपका फार्मेसी सर्विसेज, ये आ गया साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें आपके पास SC में 1 पोस्ट है। फिर आ गया आपके पास आगे वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, 903 इसका कोड है और टोटल इसमें पोस्ट है 23 पोस्ट हैं। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 904 इसका पोस्ट कोड है, 1 पोस्ट इसके लिए जो HRDC की इम्प्लॉयज है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, 905 इसका पोस्ट कोड है और 29 इसकी पोस्ट हैं। हिमुंडा में आपके पास 6 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की, हिमुंडा में स्टेनोटाइपिस्ट की वो 3 पोस्ट हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपके पास 6 पोस्ट हैं और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में फार्मासिस्ट की एलोपैथी की 6 पोस्ट हैं। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ITI में इसमें 3 पोस्ट हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की हिमुंडा में जूनियर इंजीनियर की, इलेक्ट्रिशियन की इसमें 1 पोस्ट है जर्नल में, HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन इसमें आपके पास 1 पोस्ट है जूनियर ऑफिसर की आपके पास। फिर आ गया फ्रीजन एंड क्रोशन सर्विस, इसमें भी 1 पोस्ट है आपके पास फ्रीजन एंड क्रोशन सर्विस, इसमें फिर 4 पोस्ट है। फिर है HP फायर सर्विस में 43 पोस्ट है आपके पास फायरमैन की है। रेवेन्यू में है आपके पास 1 पोस्ट सुपरवाइजर फॉर द स्टेट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑन रेगुलर बेसिस पे आई है। वेरियस डिपार्टमेंट क्लर्क की आपके पास पोस्ट है, 918 कोड है इसमें और टोटल इसमें पोस्ट हैं 10। एलिमेंट्री एजुकेशन में 9 पोस्ट हैं लैंग्वेज टीचर की, और ये पंचायती राज में हॉस्टल वार्डन की है 2 पोस्ट हैं। फिर आगे प्रिंटर एंड स्टेशनरी, इसमें भी 1 पोस्ट है। रेवेन्यू में आपके पास फिर 1 पोस्ट है अकाउंटेंट की, ये रेगुलर पोस्ट है। जल शक्ति विभाग में 923 इसका कोड है, 10 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। फिर आपके पास रेवेन्यू में फिर दोबारा पोस्ट है, आपके पास 3 पोस्ट है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं 893 कोड है तो +2 होनी चाहिए ऑर्गेनाइज एजुकेशन बोर्ड से, और ग्रेट ये डिप्लोमा होना चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें जो इसमें क्वालिफिकेशन है नेसेसरी। फिर अगर आपके पास फार्मास्यूटिक्स एलोपैथी में +2 होनी चाहिए बोर्ड किसी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और बी फार्मेसी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और ये आपके रजिस्टर होना चाहिए काउंसिलर कंसर्न स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। बी कीपर पे आपके पास ये है हॉर्टिकल्चर में जो है +2 ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी और बोर्ड एजुकेशन बोर्ड से डिप्लोमा होना चाहिए आपका, माली क्लास हॉर्टिकल्चर ट्रेड कम रिकॉग्नाइज्ड ITI, ठीक है जी। 893 डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर में BSc होनी चाहिए विद जूलॉजी या बॉटनी में ऑर्गेनाइजर्स यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जी। फिर एक्सपीरियंस सेरिकल्चर में होना चाहिए ऑपरेशन इज सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अल्टर एक्वायरिंग डिग्री। फिर आ गया आपका मेंटेनेंस सुपरवाइजर शुड हैव टू मेट्रो कलेक्शन एग्जामिनेशन इक्विपमेंट विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज बोर्ड मस्ट प्रोसेस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन का, और ये डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियर
इंजीनियरिंग का, पाइपलाइन इंजीनियरिंग। फिर आपके पास आ गया 898 अकाउंटेंट बी कॉम होनी चाहिए, हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, इसमें बी कॉम होनी चाहिए इसमें अकाउंटेंट। 899 एक्शन रिकॉर्डर, इसमें होना चाहिए बी एस सी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम द रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन या बोर्ड। फिर आ गया आपके पास 900 जूनियर इंजीनियर का, फुल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन गो एच पी विथ 55 मार्क्स में होना चाहिए इसमें। फिर आ गया इलेक्ट्रिशियन मेट्रिक इन रिकोगनाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आई टी आई होनी चाहिए इसमें इलेक्ट्रिशियन की, फायरमैन की ट्रेड में, डन थ्रू ए रेगुलर कोर्स जो जिसने भी की होगी। 902 साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री टेक्सोलॉजी, इसमें सेकेंड क्लास में मास्टर डिग्री फॉरेंसिक साइंस फॉर एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी में, और या बैचलर डिग्री इन द फॉरेंसिक साइंस फॉर द रिकोगनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर एनालिटिकल एक्सपीरियंस फॉर एनी रिकोगनाइज लेबर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट 903 प्लस टू होने चाहिए रिकोगनाइज बोर्ड से, मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा फ्रॉम, अगर आपके पास प्लस टू नहीं है तो आप मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा बोर्ड ऑफ स्कूल विद 1 or 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई टी आई से, इन फ्रॉम टेक्नोलॉजी आई टी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेवल सेक्टर आई टी ई एस एज नोटिफाइड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम इन द टाइम ऑफ द 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आई टी फ्रॉम एंड ए पॉलिटेक्निकल एंड अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन ए आई सी टी ई। ठीक है जी, कंप्यूटर इसमें स्पीड जो होनी चाहिए आपकी, जैसे आपका निकल जाता टेस्ट तो इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 904 ई एच आर टी, इसमें एक लॉ की लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें डिग्री इन लॉ ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो ई अब आ गया 905 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें प्लस टू साइंस होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एम एस सी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बी एस सी मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो इसमें ये होनी चाहिए। फिर अगर जूनियर ऑफिस ये आ गया आपका जूनियर इंजीनियर, ये आ गया शुड हैव टू पास मेट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर में होना चाहिए आपका। स्टेनोटाइप शुड हैव टू प्लस टू एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी विच विल हैव टू बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंपनी स्टेट ग्राउंड में, 25 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफ विद इन 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड इंग्लिश। अब आ जाता है लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्लस टू होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे, ऐसा टू शैल हैव टू एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट योर शी पास मेट्रिकुलेशन प्लस टू। फिर आ गया आपके पास ऑथेल्बिक ऑफिसर, ये शुड हैव टू प्लस टू, फार्मासिस्ट प्लस टू होनी चाहिए रिकोगनाइज बोर्ड से, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट मेट्रिक होनी चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, जूनियर इंजीनियर मेट्रिक रिक्रूटमेंट और जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। 913 जूनियर ऑफिसर ग्रेजुएट 1 फुल टाइम डिप्लोमा एच आर में मैनेजमेंट विद 35% और रिकोगनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर बेस होना चाहिए एम एस और एम एस एक्सेल की। जूनियर टेक्नीशियन शुड हैव टू प्लस टू ऑर्गेनाइज बोर्ड और एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, ऑल्सो पास डिप्लोमा इन टेलरिंग एंड कटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, टेलर और कटिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। 915 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ग्रेजुएशन होनी चाहिए पहली बात, इन फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए ये जो इसमें दिया गया, फायरमैन का शुड हैव टू मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश होम गार्ड का होना चाहिए मेंबर पहली बात, और शुड बी ये एक्स सर्विस मैन होना चाहिए या फिर वो एक्स सर्विस मैन, शुड हैव टू पास एटलीस्ट प्लस टू स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट, या शुड हैव टू प्रोसेस आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हो आर्मी से तो उन्हीं को ही वैधता प्राप्त। सुपरवाइजर फॉर द स्टेट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ग्रेजुएशन स्ट्रीम में एन स्ट्रीम किसी में हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 918 क्लरिकल का है, ये प्लस टू होनी चाहिए और 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड हिंदी में जब आप क्लियर कर देते एग्जाम लैंग्वेज टीचर की, इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेड नेमनो, ये आ गया। हॉस्टल वार्डन में आपके पास होना चाहिए शुड हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और शुड हैव ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए पहले दिए।
ठीक है जी, प्रेस्ट डॉट टी, 922 बीकॉम एन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी अकाउंटेंट जूनियर इंजीनियर सिविल में, डिप्लोमा ना चाहिए प्लस टू सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्लस टू पास होने चाहिए ऑर्गेनाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा ऑफ द एटलीस्ट योर ड्यूरेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सारे है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए इनके लिए, ये है। इसमें जो फीस है, फीस का जो ये जनरल कैटेगरी एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश रिलेटेड फॉर द डिफेंस सर्विसेज 360 रुपये, जनरल आई डी भी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए 120 रुपये, और अगर एस सी एस टी और ओ बी सी के लिए 120 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, और ये ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ही आप ये जो फीस काटेंगे तो वही एक्सेप्टेबल होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो इन्होंने यहाँ अपने वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, तो आप इसके द्वारा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है HP SSB, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा दोबारा जो अप्लाई की डेट बढ़ाई गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप रह गए हैं किसी कारणवश आपने अप्लाई नहीं किया है, तो बहुत सुनहरा मौका है गवर्नमेंट जॉब में जाने का और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। तो ये रहा था वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था सारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कवर कर पाऊँ, थोड़ा बहुत कवर जितना भी कर पाया हूँ शायद सफिशेंट है।